अब प्रमेय नंबर 10.2, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिकोण क्या होता है? आपके बराबर होता है। जैसे मान लो आपके ये देखिए ये आपके समांतर रेखाएं है, और जैसे मान लो मैंने ये आधार ले लिया, ये वाला पॉइंट, जैसे मान लो इसका नाम है आपके BC, नाम ले लिया, ये आधार है, इसी आधार में ये आधार एक और रेखाएं क्या है आपके समांतर, इसके अंदर कहीं भी बनता है त्रिभुज, चाहे ये है, चाहे ये त्रिभुज देर का है, चाहे ये वाला त्रिभुज है, या और पीछे यहाँ त्रिभुज है, ये जो जो भी त्रिभुज बन रहे हैं वो सभी त्रिभुज क्या होता है आपके बराबर, ये पूछा गया है। तो क्या होता है हमेशा आपके बराबर ही होता है। अब बराबर कैसे होगा, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम रचना करेंगे समांतर चतुर्भुज की। ये क्या बनाया हमने, समांतर चतुर्भुज। जैसे हमने क्या किया, पहले तो लिखो हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, जैसे मान लो कि दो त्रिभुज है आपके, ये वाला और ये वाला, एक तो बनाया हमने ABE बनाया, और एक बना दिया मैंने ये वाला बना दिया, का नाम क्या है आपके ABD, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ABE, ये दोनों क्या करने हैं हमें बराबर है, ऐसे आता भी है और आपके आगे टेंथ में भी है, तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि ये और ये हमेशा क्या होते हैं बराबर, क्यों होते हैं, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने, कारण कैसे देखो क्यों होते हैं बराबर। सबसे पहले हमने क्या की है, रचना की है, क्या रचना की है, ABCD एक क्या है आपके समांतर चतुर्भुज बनाया। अब ऊपर दिन परमेय नंबर आपके के ऊपर में, ऊपर में नंबर कौन सा, दो, त्रिभुज का सिर्फ एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज चतुर्भुज क्या होता है आपके आधा होता है, ऊपर में है के यार ऊपर में इसका एक ऊपर में, ऊपर में दो 10 पॉइंट, ऊपर में नंबर दो 10.2 का ऊपर में नंबर दो, देख कैसे देखो, कर लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये चतुर्भुज, एक तो लेंगे हम एरिया ऑफ ABD, मतलब एक तो हमने लिया है ये वाला त्रिभुज और एक क्या लिया है हमने चतुर्भुज, एरिया ऑफ क्या हो गया है आपके ABCD, या तो इसके लिए पूरी लेंथ त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बना त्रिभुज समांतर चतुर्भुज क्या होता है आपके आधा होता है, या तो फुल लाइन लिखो या क्या लिखो, ऊपर में नंबर दो से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABD बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ABCD, क्यों होगा आपके ऊपर में नंबर दो। अब इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज कौन सा ABE, ये भी क्या होगा इस पूरे का आधा होगा, एरिया ऑफ क्या नाम है ABE बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपके ABCD, कारण ये ऊपर में नंबर कितना हो गया आपके दो, इसको मान लो समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर एक व दो से ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर, हो जाएगा एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ABE। देखो परमेय नंबर 10.1 तो है आपके दोनों समान चतुर्भुज का, और परमेय नंबर 10.2 क्या है दोनों त्रिभुजों का, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बराबर, वहां दोनों समान चतुर्भुज क्या होते हैं आपके बराबर। एक मिनट, अब है आपके दो त्रिभुजों का क्षेत्र, देखो क्षेत्रफल बराबर है और आधार भी बराबर है, हमें क्या ज्ञात करना है ऊंचाई भी क्या होगी आपके बराबर, सवाल ये लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बराबर, और इस त्रिभुज की एक भुजा उस त्रिभुज की एक भुजा क्या है आपके बराबर, और दोनों के संगत शीर्षलंब, संगत मतलब के जो भुजा ले ही जो भुजा बराबर है उसका शीर्षलंब आपके ज्ञात करना है कि वो बराबर है या नहीं, सबसे लास्ट में जो होता है वही हमें सिद्ध करना होता है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है शीर्षलंब बराबर है ये करना है हमें सिद्ध करना है, मतलब पहले चित्र बना लो ऐसे, ये तो हो गया है त्रिभुज आपके ABE और क्या हो गया है C और एक हो गया है आपके PQ और R, इसने कहा दो त्रिभुज है क्षेत्रफल क्या है आपके बराबर,
तो हम लिखते हो हमें करना है पहले तो ज्ञात या क्या कहते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिर्फ लंब 90 डिग्री कोण बनाओ यहाँ पे डी और ये हो जाएगा आपके एम। इधर ध्यान दो, हमें सिद्ध करना है कि एडी बराबर क्या है आपके पीएम, ये करना है हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले सवाल में दिया हुआ क्या क्या बताओ, दोनों का एरिया बराबर है, मतलब के एरिया ऑफ एबीसी बराबर है एरिया ऑफ पीक्यूआर, दोनों का आधार बराबर है, आधार मतलब बीसी बराबर क्या है आपके क्यूआर, ये भी बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि एडी बराबर क्या है आपके पीएम। अब यहां से चल रहे हैं उत्तर उत्पत्ति, कोई भी त्रिभुज लो उसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या ज्ञात करने का, एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो आपके एरिया ऑफ क्या नाम है ए बी डी का सूत्र क्या ज्ञात करने का, ये त्रिभुज है ए बी डी नहीं ए बी सी लेना है, अगर ए बी डी लिया तो इसका उत्तर आएगा, ए सी डी लिया तो इसका उत्तर आएगा और ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या ज्ञात करने का, एक बटा दो आधार पूरा लेंगे बी सी नाम पूरा, आधार कौन सा है इसका बी सी और ऊंचाई कितनी है इसकी एडी। अब इसी प्रकार से देखो आपके एरिया क्या नाम है पी क्यू आर, एक बटा दो आधार क्या हो गया है क्यू आर और ऊंचाई क्या हो गई है आपके पीएम। अब इसने सबसे पहले कहा है कि एरिया क्या है आपके बराबर, सबसे पहले कहा है कि क्षेत्रफल क्या है आपके बराबर, इस सवाल के अंदर क्या है दिया हुआ, तो ये दोनों बराबर है, कौन से दोनों बराबर है एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ क्यूआर, ये दोनों हमने ऐसे लिखे हैं तो उन दोनों को भी आप ऐसे लिखो, इसके नीचे ये इसका मान लिखो एक बटा दो बी सी इंटू ए डी बराबर एक बटा दो क्यू आर इंटू पी एम, आधे से आधा कैसे, और सवाल में दे रखा है कि इसके आधार क्या है बी सी बराबर क्या है क्यू आर, आधार बराबर है सवाल में दिया हुआ है तो BC और QR भी कैंसिल दोनों बराबर, इसलिए पीछे क्या बचा AD बराबर क्या बचा है PM।